भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वितीय यूनिट ने गुरुवार को भू अभिलेख अधिकारी लालाराम कुमावत को 3000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह रिश्वत राशि खेत में पत्थरगढ़ की एवज में परिवादी के घर पर ही ली गई थी। एसीबी एएसपी ब्रजराज सिंह के अनुसार खेलड़िया निवासी देवी सिंह राजपूत को अपने खेत पर पत्थरगढ़ी करवानी थी, इसलिए उन्होंने बनेड़ा पंचायत के खेड़लिया के भू अभिलेख अधिकारी लालाराम कुमावत से संपर्क किया। कुमावत ने इस कार्य के लिए देवी सिंह से 6000 रुपए की रिश्वत की मांग की। सिंह गिरदावर को रिश्वत नहीं देना चाहते थे, इसके चलते उन्होंने एसीबी में शिकायत की, जिसके बाद शिकायत का सत्यापन कराया गया। इस दौरान गिरदावर कुमावत ने 2000 रुपए परिवादी से बतौर रिश्वत प्राप्त कर लिए। शेष राशि गुरुवार को देना तय हुई। एसीबी ने ट्रैप की योजना तैयार की। आज गिरदावर लालाराम परिवादी देवी सिंह के खेड़लिया स्थित निवास पर पहुंचा, जहां गिरदावर ने देवी सिंह से जैसे ही 3000 रुपए की रिश्वत ली, पहले से निगाह रखे एसीबी की टीम परिवादी का संकेत पाकर मौके पर पहुंची और गिरदावर लालाराम को रिश्वत राशि सहित गिरफ्तार कर लिया। इस कार्यवाही में डीएसपी शिवप्रकाश टेलर, गोपाल जोशी, प्रहलाद पारिक, रामेश्वर शिवराज, प्रेम महेंद्र व अशोक शामिल थे। एसीबी भिलवाड़ा द्वितीय को परिवादी श्री देवी सिंह से एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया कि उनकी जमीन की पत्थरगढ़ी करवानी है। इस बाबत उन्होंने उपखंड अधिकारी बनेड़ा से भी आदेश करवा रखा है और संबंधित तहसीलदार जी से भी लिखित में निवेदन किया है। तो तहसीलदार द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक महुआ खुर्द को मार्क भी कर दिया गया है। इस बाबत वो भू अभिलेख निरीक्षक महुआ खुर्द श्री लालाराम से जाकर के मिला, तो लालाराम ने पत्थरगढ़ी की एवज में उससे रिश्वत राशि 6000 रुपये की मांग की और मांग के साथ ही परिवादी से उसने 2000 रुपये भी प्राप्त कर लिए। इस शिकायत प्राप्त होने पर हमने नियमानुसार रिश्वत राशि का मांग का जो है सत्यापन करवाया और सत्यापन से रिश्वत मांगे जाने की पुष्टि होने पर आज दिनांक को ट्रैप कार्रवाई का आयोजन किया। ट्रैप के दौरान आरोपी द्वारा परिवादी के जो पुश्तैनी जमीन है वहां पर पहुंच करके पत्थरगढ़ी के निमित्त पहुंचा और वहां पर उसने 3000 रुपए की रिश्वत राशि परिवादी से ग्रहण की और मौके पर टीम द्वारा उसे अरेस्ट किया गया है और बाकी की कार्रवाई जारी है।